मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 9 नंबर कॉलोनी में रात्रि 8 बजे आरोपी घर में प्रवेश कर पूजा पाठ कर रही महिला पर धारदार बांग का हथियार के हमला कर दिया, लेकिन महिला बाल बाल बच गई। तभी आरोपी पैसे की डिमांड करते हुए फिर से हमला करने का प्रयास करने लगा। उसी दौरान महिला जोर जोर से आवाज लगाने लगी, जहां महिला की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी डीके सिंह दौड़ पड़े एवं आरोपी को पकड़ लिया, जहां आरोपी युवक मौके का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से कॉलोनी से लेकर प्रजापति परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई एवं विवेचना की जा रही है। वहीं जिले के बीरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र में आवास को लेकर विवाद करते हुए दबंगों द्वारा एक परिवार के महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। बीरसिंहपुर पाली MPEB कॉलोनी के SP टाइप में आवास को लेकर कुछ दबंगों द्वारा एक गरीब परिवार के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसके शिकायतकर्ताओं के द्वारा संबंधित थाने में आरोपियों को विरुद्ध दर्ज कराई गई है। वहीं पीड़ित राजकुमार सेन ने बताया कि वह MPEB कॉलोनी में पिछले 5 वर्षों से अपनी पत्नी एवं बहु बेटे के साथ रहा है, जहां कॉलोनी के ही कुछ लोगों के द्वारा पूर्व के दिनों से ही विवाद किया जा रहा था और आज अचानक आरोपियों ने घर में घुसकर परिवारजनों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण उसका सारा परिवार भय के आलम में जी रहा है। दबंगों के द्वारा पहले भी कई बार विवाद करने की कोशिश की गई थी। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पाली TI राजेश मिश्रा ने बताया कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है एवं जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। ये 9 नंबर कॉलोनी में पुनीबाई प्रजापति रहती है, ये शिक्षा विभाग में जॉब करती है। कल रात करीब 8:15 बजे कोई एक अज्ञात युवक जो है इनके घर में, ये घर में अकेली थी, इनके घर में घुसा, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बका जो भी कपड़ों में छुपाया हुआ था उसको निकाला और इनसे पुनीबाई प्रजापति जी से पैसे की मांग किया कि उसको पैसे की आवश्यकता है, पैसे दे। और इस बात पे डरा धमका रहा था, तभी वो चिल्लाई और पड़ोसी जो है उनके एक पड़ोस में रहने वाले डीके सिंह आ गए और वो उस युवक को दरवाज़ा खटखटा के दरवाज़ा खोला युवक ने और युवक ने उनको उनके ऊपर हमला करने या डरा धमका कर के बका छोड़ करके वहाँ से भाग गया। बका से कोई हमला नहीं हुआ है। बालिकाओं पे किसी भी प्रकार से आपराधिक घटना न घटे, इसके लिए सरकार सचेत है, परंतु जिस प्रकार से उमरिया जिले में आए दिन महिलाओं के ऊपर आक्रमण, महिला यहाँ से गुम हो जाना और जो ये घटना प्रकाश में आई है उमरिया जिले की 9 नंबर कॉलोनी, वो महज SP साहब के घर से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पे होगी, वहाँ पे घटना घट गई। इसी प्रकार पाली में जो घटना घटी कि घर के अंदर लोग घुस के मारपीट की महिलाओं के साथ, उमरिया में महिला के साथ जानलेवा हत्या करने का प्रयास हुआ, ये बहुत गंभीर बात है और इसके लिए जितनी भी सुविधा और शासन ने दी है पुलिस वालों को, हमको लगता है कि पुलिस वाले इस मामले में ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। हम जो उमरिया जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र अपने जो पुलिस बल है उसको सचेत करें कि महिलाओं के ऊपर इस जिले में किसी भी प्रकार से कोई घटना नहीं घटे। यदि घटना घटती है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन अपने जवाबदारी में सही नहीं है। आपके साथ क्या हादसा हुआ? दो आदमी आए और मेरे को धक्का धुक्की दिया, मेरे पति को मारे, मेरे बच्चों को मारे। जैसे ही 8:15 के आसपास सर, जैसे ही मैं पूजा करके तुलसी जी में दीपक जलाने गई, तो दीपक जलाने के बाद जैसे ही अंदर आई तो एक व्यक्ति वही 25 से 35 वर्ष के बीच का था, तो वो मेरे गेट के अंदर आया और मेरा मुंह दबाने लगा। वो हाथ में बका लिए हुए था और मेरे ऊपर मेरा मुंह दबाने लगा और मेरे को बोला कि मुझे पैसा दे दो। मैं आवाज़ लगाती रही, बचाओ बचाओ बचाओ, बोला मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दो। तो मैंने उससे बोला कि मैं पैसा दे दूंगी तो तुम मुझे मारोगे तो नहीं, तो बोले कि नहीं मैं नहीं मारूंगा, मुझे पैसा दे दो।
बस सर मेरा मुंह दबाया और मुझे यहाँ सोफे के पास गिरा दिया। इसके बाद मैं आवाज़ देते रह गई तो मेरे पड़ोसी जो है वो आवाज़ सुन करके आए और मेरा दरवाज़ा भटभटाए। चूँकि वो दरवाज़ा बंद किया तो उस एल ड्राफ्ट उसी ने लगाया था और वो एल ड्राफ्ट खोला भी वो, और उनके ऊपर भी वो वार करने को वो बका से अपना हाथ उठाया तो उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो बका जो है वो फेंक करके वो भागते हुए तालाब की मेड़ से और वो सब्जी मंडी की तरफ रोड क्रॉस करते हुए वो भाग गया सर। मैं मेरे पड़ोसी नहीं डीके सिंह नहीं आते तो वो मेरे ऊपर वार कर देता और मेरी जान वो ले लेता। तो वो आए और जैसे ही वो आए तो वो मेरे को बचाए और वो भागा अपराधी। वो अगल बगल भी ऐसे कई लोग रह रहे हैं, कई लोग रहते हैं कि इस तरह की जो वारदात है भविष्य में ना हो। मैं ये पुलिस प्रशासन से उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो है किसी के ऊपर ना हो और जल्द से जल्द जो है अपराधी को पकड़े। फेंकने वाले थे ज्ञानेंद्र गिरी गोस्वामी और देवेंद्र गिरी गोस्वामी। आपके साथ क्या आज मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट हुई है क्योंकि मैं कल मेरे साथ हादसा हुआ था। कपड़ा फेंक दिए थे, पूरा सामान आधा सामान फेंक दिया था, आधा सामान घर यहीं क्वार्टर में था। तो कल मैं रिपोर्ट लगाने गया चौकी में तो उन्होंने रिपोर्ट लिख लिए और बोले थाना चले जाओ। आज मैं थाने गया, थाने में रिपोर्ट लिखाया। मारने लगे, हम लोग दौड़ के गए वहाँ, फिर मतलब सब यहाँ कॉलोनी के मतलब सब जुड़ गए वहीं पे। डांटने लगे बहुत ज़्यादा, इनको मारी चोट वोट लग गया यहाँ पे, सिर में खून उन बहने लगा। फिर उनको हम फिर बचाए चाए, फिर अपन चले गए दो जन, वो भी चले गए। फिर जो इनके उनके साथ में इनके क्वार्टर में रहा उनको हम खूब फिर मतलब उनको मतलब सुनाए उनाए कि जैसे क्यों ऐसा कर रहे हो, जब क्वार्टर के पीछे इकट्ठा गांव के हो तुम ऐसे कहीं लड़ रहे हो।